हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवी क्लासेस। आज फ्रेंड्स जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वह सब्जेक्ट है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के अंदर आज फ्रेंड्स जो मैं टॉपिक समझाने वाला हूँ, उस टॉपिक का नाम है हाइड्रोलिक ब्रेक। तो फ्रेंड्स, अगर आप हाइड्रोलिक ब्रेक को समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखें, जिससे आप इसको अच्छे से समझ सकें। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि सामने जो टॉपिक लिखा हाइड्रोलिक ब्रेक, इसका सबसे पहले मैं मतलब बताऊंगा, उसके बाद जो डेफिनेशन लिखी है उसको समझाऊंगा, उसके बाद फ्रेंड्स जो डायग्राम बनाया फ्रेंड्स इस डायग्राम को समझाऊंगा, मैं सारे पार्ट्स को एक्सप्लेन करूंगा विथ वर्किंग। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ हाइड्रोलिक ब्रेक का मतलब बताना। तो फ्रेंड, जैसा कि सामने जो टॉपिक लिखा हाइड्रोलिक ब्रेक, यह दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है। कितने? दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला वर्ड है फ्रेंड्स हाइड्रोलिक, दूसरा वर्ड है ब्रेक। फ्रेंड्स, पहले सबसे पहले हाइड्रोलिक का मतलब समझ लेते हैं। तो हाइड्रोलिक जो वर्ड है फ्रेंड्स, वो रिलेटेड करता है किससे? फ्लूड से। किससे फ्रेंड्स? फ्लूड से। फ्लूड बोले तो लिक्विड्स। ये जो फ्लूड्स होते हैं या लिक्विड्स होते हैं, इनके अंदर एक स्पेशल गुण होता है फ्रेंड्स, जिसे प्रॉपर्टीज बोलते हैं फ्लूड्स की, वह होता है बहने का गुण। बहने का गुण बोले तो फ्लो होने का गुण। लेकिन फ्रेंड्स, मैक्सिमम जो हमारे लिक्विड्स रहते हैं वह फ्लो होते हैं, लेकिन वह सभी लिक्विड्स तो ब्रेकिंग सिस्टम के लिए यूज नहीं कर सकते हम। तो इसमें कुछ स्पेशल लिक्विड्स यूज करते हैं, जैसे कि एथिलीन ग्लाइकॉल होते हैं, इस टाइप के जो लिक्विड्स होते हैं उनका यूज करते हैं ब्रेकिंग सिस्टम के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब दूसरा वर्ड होता है फ्रेंड्स ब्रेक। ब्रेक का काम होता है फ्रेंड्स किसी गाड़ी को कंट्रोल करना है या उसको अचानक से रोकना। इस तरह पूरा जो वर्ड बना हुआ फ्रेंड्स हाइड्रोलिक ब्रेक, इसका पूरे हाइड्रोलिक ब्रेक का काम होता है फ्रेंड्स किसी गाड़ी को कंट्रोल करना और उसको रोकना। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह ये हाइड्रोलिक ब्रेक का मतलब होता है। अब इसको हम डिफाइन करें तो यहाँ पर हमने डेफिनेशन लिखी, उसको आप पढ़ भी सकते हैं। नॉर्मल डेफिनेशन है फ्रेंड्स कि हाइड्रोलिक क्या है, एक पूरा मैकेनिज्म होता है किसका, जो भी हमारा ब्रेकिंग सिस्टम है उसका, जिसमें हम क्या करते हैं एक लिक्विड्स यूज करते हैं जैसे कि एथिलीन और ग्लाइकॉल, इसके लिए ब्रेकिंग सिस्टम के लिए। ठीक है फ्रेंड, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो इस लिक्विड के थ्रू प्रेशर डालते हैं और उससे हमारी गाड़ी की स्पीड में परिवर्तन आता है और गाड़ी अचानक से रुकती है। ठीक है, यह जो लिक्विड या हाइड्रोलिक ब्रेक है जिसमें हम लिक्विड यूज करते हैं, ठीक है फ्रेंड, यह बहुत इफेक्टिव ब्रेकिंग सिस्टम रहता है अदर ब्रेकिंग की तुलना में, इसीलिए इस ब्रेकिंग सिस्टम को बनाया गया। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं यह किस लॉ पे काम करता है और कैसे काम। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं इस यह जो काम करता है यह पास्कल्स लॉ पे काम करता है। जिसपे? पास्कल्स लॉ पे। पास्कल्स लॉ आप सभी ने पढ़ा है कि जो लिक्विड्स होता है किसी भी बर्तन में या किसी भी जगह जहां पर रखा हुआ है, वह क्या करता है सभी डायरेक्शन में एक समान प्रेशर डालता है। कैसा डालता है? सभी डायरेक्शन में एक समान प्रेशर डालता है, मतलब जो प्रेशर इंटेंसिटी रहती है लिक्विड्स की, वह सभी डायरेक्शन में कैसी रहती है? एक समान रहती है। और जो उसमें फ्लो होता है वह कैसा होता है? इनकम्प्रेसिबल फ्लो होता है। कैसा फ्लो होता है फ्रेंड्स? इनकम्प्रेसिबल फ्लो होता है। इनकम्प्रेसिबल फ्लो बोले फ्रेंड्स तो जो हमारा वॉल्यूम रहता है फ्लूड्स का, वह एक समान रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं रहता है, तो फ्रेंड्स उसे हम बोलते हैं इनकम्प्रेसिबल फ्लो। तो इसमें जो सिस्टम है ब्रेकिंग सिस्टम, इसमें जो लिक्विड्स का फ्लो होता है वो कैसा होता है? इनकम्प्रेसिबल फ्लो। अब फ्रेंड्स सीधे डायग्राम पे चलते हैं, उस डायग्राम के सभी पार्ट्स लिखे हैं जो भी बने हुए हैं उनको समझते हैं और उसकी वर्किंग समझते हैं। तो फ्रेंड्स यहां हमने इसको जूम कर लिया और सभी पार्ट्स को मैं एक एक से बता रहा हूं, ध्यान से सुनते रहे। पहला पार्ट है फ्रेंड्स ब्रेक पैडल, लिखा है ब्रेक पैडल। ब्रेक पैडल का काम है फ्रेंड्स, इसको हम प्रेस करते हैं तो ये फ्लूड हमारा आगे फ्लो होता है, और जब इसको रिलीज कर देते हैं तो फ्लूड अपनी ओरिजिनल पोजिशन में आ जाता है। इसमें क्या होता है इसका सिस्टम, इसमें एक लीवर लगा रहता है फ्रेंड्स, लीवर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट रहता है किससे? मास्टर सिलेंडर से। ये यहाँ पर क्या लगा हुआ है? मास्टर सिलेंडर, जो इसका मेन पार्ट्स होता है, जो हमारा हाइड्रोलिक ब्रेक है इसका मेन पार्ट्स रहता है मास्टर सिलेंडर। मास्टर सिलेंडर के अंदर फ्रेंड्स क्या होता है, एक सिलेंडर रहता है, उसके अंदर एक पिस्टन लगी रहती है, ऊपर एक बॉक्स रहता है जिसके थ्रू लिक्विड इसके अंदर आता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये हमारा मास्टर सिलेंडर रहता है, जिसके ऊपर क्या होता है लिक्विड भरा रहता है, अंदर क्या सिस्टम रहता है पिस्टन और सिलेंडर, जिसके साथ फ्रेंड्स क्या होता है ये जो पाइप दिख रहा है पाइपलाइन लगी रहती है। ठीक है, जिसे लाइन बोलते, ब्रेकिंग लाइन बोलते, क्या बोलते? ब्रेकिंग लाइन, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ये पूरी जो दिख रही है ये ब्रेकिंग लाइन है फ्रेंड्स, यहाँ पर भी ये ब्रेकिंग लाइन है। ब्रेकिंग लाइन एक पाइप टाइप का होता है, होलो पाइप। होलो पाइप क्यों होता है फ्रेंड्स? क्योंकि अंदर ये लिक्विड है उसी पाइप के अंदर फ्लो होता है, और वह डायरेक्ट कहां से जुड़ा रहता है फ्रेंड्स? जो हमारा ब्रेकिंग सिस्टम रहता है, जैसे कि हमने जो डायग्राम लिया है इसमें दो टाइप्स के ब्रेकिंग ब्रेक बता रहा हूं फ्रेंड्स, क्योंकि जो हमारा हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम है यह दो टाइप्स का होता है। पहला होता है ड्रम टाइप का, दूसरा होता है डिस्क टाइप का। क्या होता है? ड्रम टाइप का और डिस्क टाइप का, दोनों ही मैं इसमें बता रहा हूँ फ्रेंड्स। तो ये ड्रम टाइप का दिख रहा है, इसमें डायरेक्ट कनेक्ट रहता है जो हमारा ब्रेकिंग लाइन है, जिसके थ्रू हमारा जो लिक्विड्स आता है।
इसमें भी फ्रेंड्स ये कॉम्बिनेशन रहती है, इसमें सू लगी रहती है, देख रहे हैं ये सू लगे हुए, स्प्रिंग वगैरह का कॉम्बिनेशन रहता है फ्रेंड्स। यहाँ पर क्या रहता है फ्रेंड्स, एक सिलेंडर और लगा रहता है, ये ड्रम के अंदर क्या लगा रहता है, एक सिलेंडर लगा रहता है। इस सिलेंडर के अंदर जब लिक्विड एक्सपेंड होता है, जब ये शू क्या होता है, इस ड्रम के साथ टकराते हैं, फ्रिक्शन की स्थिति में आते हैं, तो हमारी गाड़ी कंट्रोल होती है और ये हमारे ब्रेक के पहिए की स्पीड कम होती है। ठीक फ्रेंड्स, क्या होता है इसमें एक सिलेंडर लगा रहता है और स्प्रिंग वगैरह कॉम्बिनेशन होती है। इस सिलेंडर के अंदर भी क्या होती है, पिस्टन लगी रहती है। अभी मैं वर्किंग बताऊंगा तो पूरा पिस्टन सिलेंडर का सभी का काम बताऊंगा। ब्रेक शू बता दिया फ्रेंड्स, ब्रेक शू जानते हैं आप, ये ब्रेक शू क्या होते हैं, ड्रम लगा रहता है इसके साथ कॉन्टेक्ट में आते हैं और उसमें फ्रिक्शन होता है, उससे हमारी गाड़ी की स्पीड कंट्रोल होती है। अब दूसरा होता है डिस्क ब्रेकर, क्या होता है डिस्क ब्रेक, ये भी देख रहा है यहाँ पर डिस्क ऊपर क्या लगी रहती है, डिस्क लगी रहती है, नीचे भी क्या रहती है, एक डिवाइस लगी रहती है सर्कुलर, उसके साथ क्या है एक कैलीपर लगा रहता है। कैलीपर बोलते एक डिवाइस होती है फ्रेंड, जिसके अंदर भी क्या होता है, एक सिलेंडर पिस्टन सिलेंडर का कॉम्बिनेशन होता है, जिसके अंदर लिक्विड ऊपर से जो हमारी पाइपलाइन है उससे आता है, जो ब्रेक लाइन बोलते हैं, और इसके अंदर पिस्टन सिलेंडर का कॉम्बिनेशन होता है, उससे इफेक्टिव होती है। ये जो डिस्क लगी यहाँ पर, जो सर्कुलर डिवाइस लगी उसके साथ ये दूसरे एक दूसरे से कॉन्टेक्ट में होते हैं, फ्रिक्शन होता है, हमारी गाड़ी रुकती है। ठीक है फ्रेंड्स, इस डिवाइस को क्या बोलते हैं, कैलीपर बोलते हैं। अब फ्रेंड्स बात करते हैं वर्किंग की, वर्किंग को भी ध्यान से सुनना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जैसे हम पेडल को प्रेस करते हैं, क्या करते हैं, पेडल को प्रेस करेंगे मतलब दबाएंगे, तो यहाँ पर क्या करेगा, जो पेडल आगे को यहाँ पर पुश करेगा तो किसमें धक्का मारेगा, पिस्टन में, सिलेंडर के अंदर क्या लगी, पिस्टन लगी, पिस्टन कंप्रेस करता है किसको, जो सिलेंडर के अंदर जो लिक्विड आ रहा है डिवाइस से, उस लिक्विड को क्या करता है, कंप्रेस करता है। उसको जैसे ही कंप्रेस करेगा तो फ्लूड क्या होगा, स्पीड से आगे की ओर बढ़ेगा, इससे हाई प्रेशर बोल सकते हैं, स्पीड से बोल सकते, ऐसे बोल सकते हैं, हाई प्रेशर से आगे की ओर जाएगा। ठीक है, हाई प्रेशर से आगे की ओर जाएगा फ्रेंड्स, इसके थ्रू जो हमारी ब्रेक लाइन लगी उसके थ्रू, मान लिया पहले हम ड्रम ब्रेक को समझा रहे हैं तो उसी को समझ लेते हैं, इसके थ्रू डायरेक्ट कैसा आएगा फ्रेंड्स, जो भी हमारी यहाँ पर डायरेक्ट दिख रहा है, ये कनेक्शन रहता है इसका, कि कनेक्शन के लिए जो भी यहाँ पर सिस्टम दिया जाता है वो कनेक्शन रहता है, उस कनेक्शन के थ्रू सीधा निकलेगा, और इस तरह क्या होगा, ब्रेक लाइन से सीधा आएगा, कहाँ, इस सिलेंडर के अंदर आया, किस आया, इस सिलेंडर, इस सिलेंडर के अंदर क्या होता है, इस लिक्विड आएगा, क्योंकि उसका हाई प्रेशर में रहता है, ये प्रेशर क्या करता है, इसके अंदर जो पिस्टन बने उस प्रेशर को डालता है, ये पिस्टन क्या इधर की ओर मूव होगी, ये पिस्टन इधर की ओर होगी, ये क्या करेगी, एकदम बाहर की ओर मूव होगी, तो क्या करेगी, ये इस पर प्रेशर डालेगी, इस पे प्रेशर डालेगी, क्योंकि इस पे पास्कल लॉ काम करता, तो एक समान सभी जगह प्रेशर इंटेंसिटी कैसी होगी, एक समान होगी, तो पूरे यहां से यहां तक प्रेशर कैसा होगा, एक समान, इस तरह यहां से यहां तक कैसा होगा, प्रेशर एक समान होगा, तो पूरी डिस्क पे क्या होगा, जो हमारी शू ब्रेक लगा हुआ शू है उस पर एक समान प्रेशर होगा, और जो ड्रम पे क्या होगा, एक समान क्या करेगी, फोर्स डालेगी, फोर्स डालेगी, दोनों के बीच में कौन सा फोर्स होगा, फ्रिक्शन फोर्स होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स के कारण क्या होगा, ये ड्रम की जो स्पीड है वह कम होने लगेगी और धीमे धीमे हमारी गाड़ी रुक जाएगी। इस तरह यहां पर एक काम करता है ब्रेकिंग सिस्टम। अब बात करते हैं फ्रेंड्स डिस्क ब्रेक, ऐसा ही सेम इसमें होता है, अगर इसको हम हटा दिया जाए, हटा दिए जाए इन दोनों ड्रम को, सिर्फ ओनली हम डिस्क ब्रेक यूज करें, तो सेम सिस्टम होता है फ्रेंड्स, कि हम इसको प्रेस करेंगे फ्रेंड्स, किसको, पेडल को प्रेस करेंगे, तो ये क्या करेगा, पुश करेगा किसको, पिस्टन को, पिस्टन क्या करेगी, लिक्विड को कंप्रेस करती है, जो लिक्विड इसके अंदर भरा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स, जिसका यूज कर रहा है, जिसके आधार पर इसका नाम रखा गया हाइड्रोलिक ब्रेक, उस लिक्विड को क्या करेगी, कंप्रेस करेगी, ठीक है, कंप्रेस करके जो हमारे लिक्विड है वह फ्लो होगा हाई प्रेशर से किसके अंदर, जो हमारी ब्रेक लाइन है उसके अंदर, ठीक है, और हम बताएं इसका फ्लो कैसा होगा, होगा फ्रेंड्स हम बता चुके हैं, इनकम्प्रेसिबल फ्लो होता है, क्योंकि इसके जो वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं होता फ्लो होते समय, ठीक है, ये सीधा आएगा कहाँ, इस कैलिपर के अंदर आता है, कैलिपर डिवाइस दिख रही फ्रेंड्स, इस डिवाइस के अंदर, इस डिवाइस के अंदर भी सिलेंडर पिस्टन का हमने बताया कॉम्बिनेशन होता है, एक सिलेंडर लगा रहता है, उस सिलेंडर के अंदर सीधा आता है हाई प्रेशर लिक्विड आता है, वह सिलेंडर पुश करेगा उसकी पिस्टन को, पिस्टन प्रेशर किस पे डालती है फ्रेंड्स, ये जो दिख रही है डिवाइस के थ्रू कहाँ डालती है, ये डिस्क लगी उस पर प्रेशर डालेगी, इसके थ्रू क्या होता है, ये हमारी डिस्क लगी इसके साथ एक फ्रिक्शन में आती है, और फ्रिक्शन होने के कारण क्या होता है फ्रेंड्स, यह डिस्क क्या होती है, धीमे धीमे रुकने लगती है, ये जब रुकेगी फ्रेंड्स तो हमारी ब्रेकिंग सिस्टम इफेक्टिव होगा, और ब्रेक क्या होता है, हमारी गाड़ी को कंट्रोल होती है, उससे हमारी गाड़ी रुकने लगती है। तो फ्रेंड्स इस तरह क्या इसकी आप वर्किंग समझ सकते हैं, एग्जाम में याद रखें, ये डायग्राम बनाएं जरूर, और जिस तरह आप समझा सकते हैं, जिस तरह मैंने समझाने की कोशिश की उस तरह आप समझाएं, और वो भी लिखें आप, जैसा कि मैंने बताया किस लॉ पे काम करता है, पास्कल लॉ पे काम करता है, ठीक है, पास्कल लॉ आप जानते हैं अच्छी तरह, मैं बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ कि जी आई क्या करता है, जिस भी पात्र में या जिस भी जगह लिक्विड होता है वह क्या करता है, एक समान प्रेशर डालता है चारों ओर, या ऐसा बोल सकते हैं इस लिक्विड की इंटेंसिटी, प्रेशर इंटेंसिटी कैसी होती, एक समान होती सभी डायरेक्शन,
और फ्रेंड्स इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का वर्ड भी लिखें, और जो हम यहाँ पर फ्लूइड यूज कर रहे हैं जो डेफिनेशन मैंने बताया तो वही भी लिखे। इस तरह अच्छी तरह आप एक्सप्लेन करेंगे फ्रेंड्स, अच्छे नंबर मिलेंगे। वीडियो अगर पसंद आए फ्रेंड्स तो लाइक जरूर कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।